एंड कश्मीर अपनी बॉडी, जम्मू एंड कश्मीर अपनी बॉडी, अपनी बॉडी, जम्मू कश्मीर अपनी बॉडी, आपकी अपनी बॉडी। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी तारियों में जान लाए और उन तारियों को ताकत दे। हमारे बीच हमारी पार्टी का लीडर, हमारा कायद, हमारा रहनुमा, जिसके लिए हम सब एक होकर ताकत के साथ काम करते हैं। मैं तमाम साथियों से फिर से कहूंगा कि जोरदार तारियों से अपनी पार्टी प्रेम। मेरी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप तारियों की गूंज जो है वो आपकी जोर से सुनाई देनी चाहिए। हमारे बीच हमारी पार्टी के गायक जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब पहुंच चुके हैं। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। यार नीचे आ जाओ ना। अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद। अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी जिंदाबाद। अपनी पार्टी जिंदाबाद। गरीब की पार्टी पहली मेरी बात, इससे मैं जवाब देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर में कोई समंदर नहीं है, इसलिए मगरमच्छ भी नहीं है। यहाँ कोई मगरमच्छ नहीं है। ये चींटियों को मगरमच्छ के तौर पे पेश करना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और सियासत है और अब हम ये सियासत समझ चुके हैं। जम्मू कश्मीर का हर शहरी समझ चुका है। अच्छा रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि अब ये ड्रामा बंद कर दें। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि अफगानिस्तान जैसे हालात बन चुके हैं यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ अतिक्रमणबंदी जो है वो अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, हम तो गरीबों की बात करते हैं, हम तो अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करते हैं। जब हम अपने जम्मू कश्मीर के वासियों की बात करेंगे तो हमें इनका ही ख्याल है। ना हम दाएँ देखते हैं, ना हम बाएँ देखते हैं, हमें दिखते अपने लोग ही हैं। और मुझे, मेरा दिल रो रहा है अपने लोगों के लिए, चाहे किसी की झोंपड़ी तोड़ी जा रही है या किसी का शोरूम तोड़ा जा रहा है, क्यों शोरूम वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है, झोंपड़ी वाला भी जम्मू कश्मीर का ही है। सर एक चीज़ और, जिस प्रकार से मलिक मार्केट में अभियान चलाया गया, उस दौरान कई नेता जो हैं वो खून खराबे की बातें बोल रहे थे, ऐसे में उन्माद नहीं बढ़ता है? देखिए, मैं तो बताता हूँ आपको, आपने मेरी तकरीर भी सुनी होगी, हमने लोगों से कहा है कि आप शांति से, ये जो इस वक्त मुसीबत आन पड़ी है, इसका मुकाबला शांति से करें। जज्बात उभर जाते हैं, जब आपका आशियाना तोड़ा जाता है जज्बात उभर जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन करती है, कोई भी एक्शन करती है, उनको ये सोचना चाहिए कि जज्बात है, जज्बात तो ही, जिसके रोज़गार इसी पे है, जिसके बच्चे इसी पे पलते हैं, जिसका घर बच्चे इसी आशियाने में रहते हैं, तो जज्बात होंगे, उनके भी तो घर हैं, उन अफसरों के भी गलतियां भी हो जाती हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो सही हुआ होगा, वहाँ पत्थर कोई चला होगा, वो गलत है, लेकिन फिर ये भी तो गलत है ना, तो आप तोड़ रहे हो। अल्ताफ जी, दोनों चीजें गलत है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि एक ही विशेष कम्युनिटी को ही टारगेट किया, आपको भी लगता है कि एक विशेष मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग एक ही हैं। मेरे ना इनका कोई अलग मजहब है, ना इनका कोई अलग रीजन है, मेरे लिए जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात करता हूँ। और ये जो मजहबी बुनियादों पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, क्योंकि इनको इसमें से फायदा मिलता है। इनको तो इन, कहा ना, सुनिए, मैं तो उमर साहब नहीं ना हूँ, उमर साहब वो तो बड़े लीडर हैं। हम तो लोगों की बात करते हैं, और जब हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हम किसी मजहब की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम किसी रीजन की नुमाइंदगी, अपनी पार्टी सभी लोगों की, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की नुमाइंदगी करती है। सर, जिस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, लोग अभी भी डरे हुए हैं। अब हम तो, मुझे लगता है ना, हम इसीलिए तो हम भी परेशान हैं, वरना तो हमें कमिटमेंट एलजी साहब ने कही है कि किसी के साथ हाथ नहीं लगाएंगे, हम पहले देखेंगे सही क्या है गलत क्या है। हम भी तो इसीलिए परेशान हैं, हम क्यों लोगों में आपको नहीं लग रहा है बारिश में अगर हम यहाँ आए, हम आए क्यों? आज कोई इलेक्शन का मौका तो है नहीं, हम इसीलिए आ रहे हैं, इन इलाकों में जा रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा ये तो रहे ना कि कोई है जिसके पास हम अपना रोना रो ले, तो कंधा ही नहीं मिल रहा ना लोगों को, रोना रोने के लिए कंधा नहीं मिल रहा है। सर इलेक्शन कब हो गए शायद, हाँ इतने तो वोट पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्या बात करते हो। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, इनकी ये दादागिरी नहीं ना चलेगी, लेकिन हिसाब लेंगे, हम हिसाब हम जरूर लेंगे।
पहले दिन ही जिस दिन सरकार बनेगी इन सब का चीज़ों का हिसाब होगा, किसका घर कहाँ तोड़ा, किसका दुकान कहाँ तोड़ा, किसने ये चोरियाँ करवाई एडमिशनों में, किसने क्या लगाया। यहाँ 10-10 लाख पे लोग लगा लिए हैं, 10-10 लाख रुपया महीने की सैलरी पे लगा लिए हैं। भैया हमारे तो 1000 रुपये के लिए ये बच्चा तरस रहा है, इसको अगर 2000 रुपये पेंशन देते उस 10 लाख रुपए वाले से तो वही बेहतर थे, क्यों इसमें हमारे शायद 2000 लोग बच्चे उसमें पल जाते। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूज़ DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।